कुछ टाइम पहले ये भी अनाउंस हुआ था कि गो गोन टू रिलीज हो गई पिक्चर और अनाउंस होती है तो ऐसे जब आप शाहिद ईशान खट्टर ऐसे सारे लोग ऐसे एक्टर्स वगैरह जाते हैं तो स्प्लिट होता है अंदर चलता रहता है बाहर से आपसे अरे नहीं नहीं मैं दुआ कितना है तो आठ लोगों का इतना होता है ने, 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 ने था इस बार और कभी कभी तो उल्टा होता है इतना महंगा बिल नहीं आया अरे नहीं तू तूर अरे नहीं नहीं ये तो मैं ही दूंगा कितना टाइम हो गया आपको अपने रिलेशन चालीस साल हो गए दुनिया में और यहाँ पर अभी कम से कम आधा घंटा हो गया रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में सोलह साल हो गया मैरिज को तो नो ही हुए किताब लिखनी पड़ेगी इस बारे में वो पूरा सेट वैसा ही है वो सेट पे आप आओगे ना तो वी आर नॉट बिहेविंग लाइक वी आर ओल्ड वी सोल्ड कॉलेज

Jesse okay. up Instagram pay, Kuch kar sakte if you want, you can channel your inner Parish travel and speak in that language. You can do absolutely anything, you can Alright. be free. Okay. And recently you were in Australia. Yes. That seemed a lot of fun. It was. I have been there before. Uh, it's, it's the only place where you can go and have like a warmer Christmas and New Year's. Hmm. I'm sure you can have that in Bombay also. But uh, I like the beaches there and I have a very dear friend who lives there, so I'd gone to see him.

the best parts the highlights so to say of your holiday mm -hmm. uh my whole the whole idea of having a holiday is to kind of have mm -hmm. fun and enjoy mm -hmm. uh so i've been very uh, blessed to get opportunities to travel uh when i want to where i want to uh, i remember mera jab pehla passport bana tha तो उस पर ठप्पा ही नहीं लगा था वो पासपोर्ट एक्सपायर <laughs> हो गया सही और पहली बार जब मैं इंडिया से बाहर mm -hmm. गया था वो वॉज वैन आई कैंड ऑफ बी वॉज शूटिंग फॉर Oh. और उस फिल्म की शूटिंग स्विट्जरलैंड में हुई थी मुझे तो जितनी खुशी मुझे hmm. uh, kind of eye, हम को लैंड किया था hmm. वहाँ पे और स्विट्जरलैंड में हम लैंड करते हुए जब गाड़ी में जा रहे थे और शहरों में भी घुसे मुझे लगा यहाँ पे कुछ ब्लास्ट वास्ट हुआ है क्योंकि कोई नहीं था वहाँ पे वैसा होता है एक्चुअली बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज में क्योंकि हमें अपने देश में आदत दे है कि हर जगह पे चहल पहल है भीड़ भड़क हाँ, है लोग गाय भैंस सब चलते मैं बहुत घबरा गया था वहाँ पहले पहुँच के कि सिटीज़ खाली हैं तो मुझे ऐसे लगा कि हमें अबडक्ट तो नहीं कर लेंगे कुछ गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ लेकिन फिर मुझे पता चला संडे को सिटीज़ में जहाँ पे ऑफिसेज है वहाँ पे वैसे ही कोई नहीं आता बट देन नेक्स्ट डे ऑन वज आई प्लेस वेरी हैप्पी अबाउट दैट बस फिर वहाँ से मुझे लगा कि और मुझे ना आई थिंक बचपन में ज़्यादा ट्रैवल करने के मौके नहीं मिले

मेरे फाइनल ईयर्स लास्ट टू इयर्स में मेरे वोकेशनल सब्जेक्ट्स ट्रैवल एंड टूरिज्म थे तो उसमें एक ट्रिप वैसे ही आ जाता था सो वी ट्रैवल डाउन साउथ कोडाइकनाल एंड ऊटी एंड मैसोर सो आईड बीन टू दीज शूट्स एज बट टू एक्सप्लोर देम एंड रियली अ प्लेस द फूड द कल्चर

Uh, दोस्तों के साथ इट वॉज वेरी न्यू जब यू नो वेन वी वेंट फॉर दिस बाइकिंग ट्रिप इट वॉज वन ऑफ द हाई लाइट बिकॉज एक तो बाइक्स पसंद है uh, ट्रैवल पसंद है ये hmm. दोनों क्लब हो गए hmm. और uh, और जिस तरह की बाइक्स पसंद है वो भी यू <laughs> नो you <know>, चलाने का मौका मिला एंड देन टू डू विद फ्रेंड्स जस्ट एड्स जिस एजॉट ऑफ दैट वो क्या होता है ना जब आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं ना यू एक्सप्लोर अ सिटी अ लॉट मोर एंड इट्स ऑल्सो

मुझे याद है जब कॉलेज वॉलेज रहते हम थे तो हम ये सवाल पूछने से पहले ही कटना चाहते थे बिला जाए उससे पहले कोई फ़ोन कर लिया कोई एमरजेंसी हो जाए हम भाग जाएँ यहाँ से और ऐसा किया भी हमने एक्चुअली uh, मैं कल ही अपने दो कॉलेज दोस्तों से मिला था एंड वी वर अबाउट थिंग्स एंड दे रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टोरी वेर कॉलेज के बाद यू uh, नो you know, हम मेरा मेरा बर्थडे ना मई ट्वेंटी को है हुँ. तो जनरली तब छुट्टियाँ होती हैं हाँ. तो स्कूल में मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं चॉकलेट फैसला नहीं 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 हाँ। और उस वजह से कोई मुझे अपने साथ नहीं ले जाता था, था तो मेरा वो लेक्चर बंक नहीं हो पाता हाँ। था और फिर बाद में पता चला ये फायदा भी है क्योंकि जब कॉलेज में आप पहुंचे तो नहीं नहीं सब, सबकी ट्रीट कर लो अपनी ट्रीट में कोई पंगा ही नहीं है तो एक बार ऐसे लोगों ने घेर लिया था कि भाई ये तो सही नहीं है कि तेरा मतलब निकल जाता तो देनी तो पड़ेगी ऐसा एक और मेरा दोस्त था जो जिसका भी छुट्टियों में ही बर्थडे आता था तो हम दोनों फंस गए और ये कुछ बारह लोग उन्होंने हमको घेर लिया और कि चलो अब जाना ही पड़ेगा तो हम भी ये थे कि यार ये तो ज़बरदस्ती ले जा रहे हो बर्थडे है नहीं हम क्यों ट्रीट देने हाँ। नहीं नहीं देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी देनी पड़ेगी तो ये थोड़ा पेयर प्रेशर में हम पहुंच गए तो उसका मेरे आंखों में कुछ इशारा हुआ कि भाई ये तो नहीं होगा तो हमने भी बोला कि मंगाओ जो मंगाना मंगाओ तो सब ने बल मंगाया सब खा रहे आ रहे नया नया मोबाइल फ़ोन आया था तो अठारह रुपये भी लगते थे तो पता था कि इमरजेंसी में उठाएगा आदमी नहीं तो मिस्ड कॉल दे देंगे तो जैसे हेलो हाँ क्या हुआ सची अरे यहाँ हेलो एक सेकंड हाँ यहाँ पे राहुल मम्मी का फोन है <laughs> करके हम लोग वहाँ से निकल गए पकड़ के <laughs> और फिर हमको पता भी नहीं था तो मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल आ रही है और फोन ही बंद कर दिया उसके बाद हम थोड़े ब्लैक लिस्ट हो गए थे उस पूरे ग्रुप <laughs> में से एक साल फिर हमको किसी ने ट्रीट नहीं दी <laughs> लेकिन ऐसा हुआ था तो आई थिंक अभी तब टच कर लेते तो बेटर होता लेकिन अब तो अब ऐसा नहीं करते बट अब

तो जब आप कोई चीज देखते हैं कपड़े देख लिया, उस पर अगर चार डॉलर लिखा है आपका फट से दिमाग में पे जो भी है, हाँ। हाँ, तो वो चलने लगता है तो वैसे ही बिल का भी हिसाब किताब है अगर आप हार्ड वायर्ड है तो कहीं ना कहीं वो होता है अगर नहीं हुआ तो आपको लगे बड़ा हो गया अब मुझे फर्क नहीं पड़ता हूँ

बट अब तो जनरली तो हम जब डच होता है तो सबके इतने सारे क्रेडिट कार्ड आ जाते हैं ना तो बेचारा जो मशीन लेकर खड़ा होता है लोगों में पांच हजार कैसे बांटू चेंज ही दे दो हाँ सी लॉर्ड ऑफ आई आई डोंट थिंक कि अब यू नो आपकी जो दोस्तियाँ बचपन में होती हैं और जो स्कूल वाली होती हैं या जो आपकी बिल्डिंग के दोस्त होते हैं वो एक अलग दोस्ती होती है वो गहरी या पक्की ना हो लेकिन सच्ची ज़रूर होती है क्योंकि एंड टूडे ऑल्सो इफ़ यू मीद दैम दे नो हुर सो इट्स नॉट सेकेंड कैसिंग इज नॉट है कि ऐसा है कि नहीं है क्या सो यू इमीजिएटली क्लिक तो आई थिंक दोस्त तो वही होते हैं उसके बाद होते हैं बट थोड़ा मुश्किल हो जाता है आई थिंक अब चालीस की उम्र में तो आई डों थिंक यू विल मेक ट्रू फ्रेंडशिप्स और बॉन्ड्स फॉर लाइफ

और तो उस सेंस में आपका टाइम विद योर बॉयज हाउ इज दैट लाइक और हाउ क्रूशल इज मेल फ्रेंडशिप टू यू इन योर लाइफ आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बट सी फॉर मी आई हैव हैड अ वेरी डिफरेंट लाइफ बिकॉज मेरा ना दोस्तियाँ मैं बहुत घूमता रहा हूँ लाइफ में मतलब मेरे बचपन में जो स्कूल के दोस्त थे वो थे लेकिन फिर मैं मीरा रोड आई ग्रो अपल माई फ्रेंड्स विद लेकिन फिर जब मेरा कॉलेज हुआ तो कॉलेज पहले में में था NM, तो मैं मैं अपने पूरे स्कूल और आई थिंक मेरे एरिया से मैं एक ही लड़का था जो उस स्कूल में था ओके okay. तो वो एक तो अलग भी पड़ गया कि वही दोस्त तो इतने साल थे अब सडनली आपको नए दोस्त बनाने अब वो कहीं और के थे लेकिन वहां पर थिएटर किया तो वहाँ पर एक क्लोजनेट ग्रुप बन गया फिर हम फिल्मों में निकल लिए सब अपने अपनी जिंदगी चलने तो वो टूट गई दोस्तियाँ टूटी क्या छूट गई बट वो मी बट वो वैसी दोस्तियां नहीं रही Then you know. Then you are working, so mm. you already became an actor at 21. Mm. So I was living in Versova. By the time I made some friends, that I moved from there to Kar. Mm. So those friendships were never constant. And also, like I said, because an actor's life is so different time-wise. Yeah. At the age of 21, when I became an actor in films, I could not even like we couldn't form the find those times right. Mm. And also, we you're al up. you're always waiting. You know, I will have to go for this audition, or I have mm. to meet this person, or I'm shooting but now i've started to kind of in the last 2 years at least rekindle those friendships make time do those trips with them mm. and uh, and again yeah it's true because you just a lot of them is just reminiscing hmm. so i think sometimes your friends are like investments

<laughs> होता है और कितना फनी होता है ना कि बचपन से ही हम हमेशा ऐसे फिट इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं hmm. बचपन में पहले स्कूल में फिट इन करने की कोशिश फिर ट्यूशन में फिर कॉलेज में फिर अपने काम में फिर जब शादी हो जाती है तो एक लड़की जैसे अपने ससुराल में जाके फिट इन करने hmm. की कोशिश कर रही होती है आप अब लड़के अपने जो भी उनका hmm. घर होता है वहाँ पर फिट इन करने की कोशिश कर रहे होते हैं सो हाउ डज वन डील विद इट यू डोंट आई मीन यू फिगर आउट इट्स नॉट यू है प्लान वही होता ना कि आप जिंदगी प्लान करते रहे लेकिन जिंदगी चल रही है इफ़ यू थिंक योर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर लाइफ दैन आई मीन योर काइंड ऑफ मिस्टेक बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज गो गो अकॉर्डिंग टू प्लान सो इफ यू कान फिट इन दैन यू स्ट्रगल लर्न अडेप्ट बट देन इवेंचुअुली यू विल रीच अ पॉइंट इन लाइफ इथ मच्योरिटी एन थाट्स कैरिंग

<laughs> like Sadhguru, <laughs> I have to say something <laughs> really interesting so that you know it becomes like oh, <laughs> uh, what is the meaning of life? I have no idea. I think it's just like a journey that we are on. It's like a roller coaster that mm -hmm. you've gotten onto. Now it'll have its ups and downs. And unlike a roller coaster where you can stand behind and say, mm -hmm. you never know what's gonna be thrown at you. But I think that's what's amazing about it because you know when they talk about mature um, ho jao, maturity aayegi, life is a great lesson that you're kind of going through, it's mm. a practical mm. that you're going through, trying to read theories about it, mm. so I guess it's easier said than done to say that enjoy it while it lasts, but mm. I say no, just accept whatever you're going through, to make this journey slightly, slightly worthwhile, is don't be in denial, if you're happy, be happy, mm. if you're sad, know that you're sad, and it's okay to cry, and it's, everybody will have Stuff that will go horribly wrong. Yeah. And you'll eventually come out of it. Mm -hmm. uh, There's a great saying that I live by is like, if you think you're going through hell, keep going. Mm -hmm. Because that's the only thing that you can do. Because days will turn into nights, nights will turn into days. Mm -hmm. Now you can cry about it, which is okay. But know mm -hmm. that I'm sad, mm -hmm. and it's okay to be sad, and maybe it'll get better. What makes you sad? A lot of things make me sad, actually. Uh, not one thing in particular. Uh, like cruelty. Uh,

Do I have fears in life? Apart from the AC. I am not going to voice them out here. I believe in this whole idea <laughs> of manifestation, and <laughs> I don't have any fears. <laughs> uh, but yeah, I mean, you have fears. I mean, my biggest fear would be like not to be able to do what I do. Mm -hmm. uh, I like to be in the business of entertaining people. Mm -hmm. uh, that could be not just by acting, and I, I'm trying to kind of write and direct. Uh, mm -hmm. It's by singing, or even telling stories, or even holding a conversation and entertaining mm. somebody. So I think my biggest fear would be like if i I lose all my skills of mm. holding somebody's attention or entertaining them. Yeah, I think right now we're doing a swell job. i <laughs> <laughs> आपने कुछ टाइम पहले एक बात करी थी ना कि जब आप बोल रहे थे दैट यू हैव फेल्ट समवेयर इन योर लाइफ दैट यू अंडर यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल और वो हम सबके साथ होता है जैसे hmm. कितनी बार हमें लगता है किसी जॉब में कि यार हमारे अंदर है वो कैलिबर है वो जस्ट बाय करने का बट हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही सो वेर डि दैट कम फ्रॉम दैट इज लाइक यू एवरी बडी फील्स इट इट्स जस्ट दैट इन केस आई आई हियरिंग अदर्स बट काइंड ऑफ ऑलवेज लिव रियलिस्टिकली सो इवन दो एवरी थिंग इन मी सेग अरे ये हो सकता है क्यों नहीं हो रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम टू रियलाइज दैट ये जो हो रहा है ये भी नहीं हो सकता था क्योंकि जहाँ हम अपने राइट में देखते हैं बड़ी बिल्डिंग है वहाँ लेफ्ट में झोपड़ियाँ भी हैं सो आई एम श्योर दट देर आर सो मेनी पीपल हुड लव टू बी इन माई पोजिशन दिस इज नाउ सैड बट वेन यू आर इन दैट पोजिशन इट इज अड ऑफ एंगर एंड इज अ लॉर्ड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आई सेट लाइफ विल कीप थ्रोइंग you just have to know that and i've I realized this slowly uh, even though i've heard it before that the only thing that you're in control of is yourself mm -hmm. you cannot change the fact that somebody doesn't believe in you right or somebody is not going to give you this opportunity you can only say that okay how can i still maintain to do better so that i get somebody's attention unfortunately for an actor your whole you're in that waiting period, right? Mm. You're waiting for somebody to discover you, so somebody to find something that they can do to work yeah. with you, and then for you to do that well, and then hope that every other department of that film or show or whatever mm. you're doing is kind of firing in its best yeah. form, so that it works. It releases at the right time. It's promoted at the right time, based on that box office. You mm. know, so you're not necessarily judged on your talent, like unlike a sport yeah. where if you're good even if you get that one chance, if you shine, you'll get yeah, yeah, here the box office unfortunately right. is n not always related uh, directly to your talent or everybody else's talent. Yeah. so that's why, i mean, you go through those phases of uh, feeling low and feeling that also sometimes you're like, will i be able to do this five years yeah. later? because i'm like in my prime right now. but then again, like i said, you work on yourself. Mm -hmm. there's another amazing saying that somebody had said that, uh, you know, just, Keep your weapons ready. You never know when it'll be war, mm. and that makes sense because it shouldn't be like you give up on yourself today, and then two years later you're not looking as good, or you're not, and, and somebody like, but I came to you with this, and now wow. you're looking like horribly <laughs> bad, and I can't make this with you." Mm. Uh, and also, you got to uh, evolve and reinvent yourself and see what are the other things that you can do. I think what what I, not intentionally but unintentionally, ended up doing is in these phases. Like when you don't have work, right? And you don't know when the next thing is going to happen. Mm. You literally are in a place where there's nothing, you don't know. You'll wake up in the morning, what do I do? Mm. I ended up kind of picking up hobbies, whether okay. it was photography, whether it was riding a bike, mm. whether it was, uh, you know, I picked up the guitar and started taking some lessons mm. because I like music. Mm. Started doing that, started writing. Uh, and then I realized that all of those things, in some way, kind of became, uh, you know, weapons in my armory that I could use. Yeah and i'm very happy that i did it when it did and i thank uh, god for you know putting me in that situation otherwise i wouldn't be able to even know that i had this within me to kind of yeah. do that and today i'm you know writing and directing a film and it wouldn't have happened if mm. if i had maybe you know i had got those opportunities that i thought and i would be a so called star with mm. big blockbusters behind me but i still wouldn't be a writer or a director and i'm really happy that i at least got an opportunity to walk this path yeah एंड यू वर अ चाइल्ड एक्टर ऑल्सो और uh, पता है वैसे जूनियर महमूद ने एक बार ये वाली चीज़ बोली थी चाइल्ड एक्टर्स के बारे में कि ज़रूरी नहीं है कि हर चाइल्ड एक्टर बड़े होकर एक सक्सेसफुल एक्टर बनता है बिकॉज ज़रूरी नहीं है दैट एवरी क्यूट लुकिंग केड विल ग्रो अप टू बिकम अ गुड लुकिंग मैन एंड यू हैव मैनेज टू सक्सेसफुली ट्रेवर्स एंड मेक दैट जर्नी Yes, but also you know a lot of things kind of change. Our whole uh, idea of what is good looking also kind of changes, right? it's not the same hmm. then you segregate chocolate boy greek ah. god unconventionally good looking i don't ah. know what that means ah. uh, at the end of the day because you're not on a model you're going to sell a character in hmm. a film then even the films that we made were so different right uh, because like you mentioned uh, hmm. mr Junior mahdud who was a phenomenal talent uh, at that point of time there were only four genres of film that would be made right action comedy romance comedy <laughs> bhi nahi banti thi comedy. comedy would be har picture mein dal do acha thoda Tadka thoda dal do. ha ha, ha. फिर वो महमूद साहब ने कुछ बनाई कुआना बाप hmm. या हसीना मान जाएगी बिच वो स्टिल लव स्टोरीज बट प्रीडोमिनेंटली, बट यू नेवर से कि मैं कॉमेडी फिल्म बना रहा हूँ फैमिली बन रही थी hmm. फिर जब बनाए चाइल्ड एक्टर स्टिल दे वॉज दिस आर्ट फिल्म एंड Uh, you know, proper commercial uh -huh. cinema. Then the art films became proper parallel cinemas that would run at box office. Now we came to a place where nothing was running at the box mm -hmm. office. Everything became OTT. Yeah. Now it seems like the OTT bubble is bursting. You're back to cinema. Is it only big ticket items? Mm -hmm. Small films are not doing. Socially relevant films are doing very well now. Yeah. Everybody wants to. Now they are not very interested. Mm. So all of this keeps changing. The only thing that I thought would make sense was that if you have associated a relationship with me as a kid.

सेटों में hmm. बाल इसलिए लंबे हुए थे कलयुग में 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 उन्होंने बोला हिंदुस्तानी है तो 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 क्यूट सा हो लग रहा था हाँ, तो, तो वो सब चेंज किया फिर आवाज आवाज भी मोटी नहीं रही थी बहुत टाइम टाइम तक तो बोल रहे थे यार इसकी डबिंग <laughs> थोड़ी आवाज में बेस कैसे <laughs> तो go yes, यू

सबसे फन एक्टर एक्टर को actor कौन सा है आपके साथ जो आपको बहुत हंसाते हैं uh, बहुत सारे हैं यू नो आई मीन बिकॉज़ वी गोलमाल श्रेयस एंड अरशद रोहित वो पूरा सेट वैसा ही है वो सेट पे आप आओगे ना तो वी आर नॉट बिहेविंग लाइक वी आर लाइक कॉलेज वो वहाँ पे ग्रुप्स भी बन जाते हैं कभी कभी फिर कभी एक साथ हो जाते हैं फिर वो सब इसकी खिंचाई ना उसकी खिंचाई mm. लंचेस प्लान हो रहे हैं अगर गोवा में जब शूट कर रहे थे तो जेट्स की चलाने चले गए mm. यहाँ घूमने चले गए और फिर बीच में आके चलो अच्छा एक्टिंग भी कर लेते हैं थोड़ी <laughs> सी वो भी हंसते 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 निकल जाती तो mm. हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता था mm. वो पिक्चर खत्म हो गई सो दैट यूनिट इन इट सेल्फ इज लाइक द मोस्ट फन यूनिट फनी फनी आनंद वॉज वेरी फनी वीर इज़ वेरी फनी यू नो सोन वी डेट गो गोवा ग्रेट टाइम बट I've done some serious films <laughs> also where of course there were not many funny people and I didn't try you to be funny You've done serious OTT myself. shows also. Yes. Very intense. Yes, where I tried not to be funny at all. Yes, and you weren't. <laughs> और पता आपको याद नहीं actually 2021 में मैंने आपको interview किया था men's XP के digital cover के लिए. Oh. मुझे बिल्कुल yeah. याद था <laughs> अरे मुझे भी <नहीं> याद है <laughs> 2021 में आपने मेरा इंटरव्यू किया था मैन एक्सपी के डिजिटल <laughs> कवर के लिए आप भूल गई थे ना मेरे को तब आप अलग फेज में थे अब मेरे अलग था अलग फेज में, फेस में। <laughs> इसी फेस में तो आया था <laughs> अरे फेस नहीं फेस लाइफ oh, का फेस बट मुझे याद था देखा आप भूल गए वेरी गुड एक्टर आई मस्ट से मस्ट अप्रिशिएट आई वुड लाइक टू थैंक मैन एक्सपी फॉर इंटरव्यूइंग मी अगेन यस एंड अच्छा मेरा नाम बताना इनक्रेडिबली टैलेंटेड मैं ना लड़कियों का नाम लेने में बड़ी शर्म आती <laughs> <ही> मुझे <laughs> 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 बड़ा शर्मिला हूं मैं ये इतना होता है ना मेरे साथ मेरे शो पे आगे किसी को मेरा नाम भी नहीं पता नहीं, है। नहीं मैं तो बहुत शर्मिला हूँ नहीं तो मैं बता भी देता तो 2021 में उस टाइम पे आपका एक अलग फेस चल रहा था hmm. और अब आपका एक थोड़ा सा अलग फेस चल रहा है नाउ यू लुक अलॉट मोर फ्री एंड यू नो लाइक दस अ एन एनर्जी डिफरेंस आई सी इन यू वॉज द डिप बैक देन बिकॉज ऑफ कोविड I I don't know, man. I mean, I think uh, probably we we're all going through introspection in so and uh, what were we interviewing for again sorry i'm completely lost <laughs> 21 mein kya ho raha tha abbe aap, no aap apne ghar hai. pe the and hmm. i just remember your daughter came and she sat with you and that was very sweet and cute hmm to me sad lag raha tha ghar pe nahi sad nahi lag rahe the but you know like right now no there's a different vibe to you, there's an energy to you. i stopped caring i think <laughs> i gave up you uh, know like I, i actually i think oh 40 when i was older uh. jaise 40 years me wala ab bas अब अब मेरे को जो करना मैं <laughs> जो सही लगता है वो कहूँगा <laughs> जो नहीं अच्छा लगता उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा hmm. और पता है इन दिस न्यू एज और इन दिस टाइम ऑफ दिसमेंज कॉन्टेंट जहाँ पे um, कुछ भी ऐसे सॉर्ट ऑफ रियल नहीं दिखता आई सी यू एंड योर वाइफ हु लुक सो क्यूट एंड होल यू नो इज नो प्रीटेंस अटैच टू यू ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो लाइक फ्रॉम वट वी सी ऑन द रील्स आई यू लाइक दैट इन रियल लाइफ ऑल्सो I would like to believe so. It would be really scary if we are more real on reels than <laughs> we are in our <laughs> real life. So I, I'm hoping and praying that it is. Uh, but no, yeah. Like, like even like you know, for example, like I don't. At least I can never necessarily go to work for Instagram in a way that I can't function to say that. I don't तो वो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी जो एक वो रील काफी हाइट पार्क पार पार हाँ हाँ पार नहीं है वहाँ पे स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी <laughs> वाला हाँ मैप्रो वाला वो तो मुझे पता भी नहीं था <laughs> ये आ अच्छा, रही है पीछे से इसीलिए इफ यू सी वो रिकॉर्डिंग तो कोई ऐसे और मैं ऐसी मस्ती करता रहता वो अगर प्लान होती तो इतना अच्छा नहीं होता वो तो वो बन गई रील अब फिर उसका स्ट्रेस नहीं ले सकता आदमी की और यार ये वायरल हो गए अब मैं कल क्या करूँ भोजपुरी कर लिया अब मैं कल गुजराती करूँ नहीं वैसे नहीं होता तो इसीलिए आई थिंक यू नो दैट्स अनदर लेसन इन लाइफ इफ यू रन टू हार्ड लाइक इफ यू यू नो रन टू हार्ड टू गेट समथिंग यू मे नॉट गेट इट आई एम नॉट सेइंग स्टॉप केयरिंग अबाउट इट बट लाइक इफ यू जस्ट डू व्हाट यू डू इट विल कम टू यू एंड इफ इट डजंट देन इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी डू समथिंग एल्स देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन लाइफ टू डू या कितना टाइम हो गया आपको अपने रिलेशन चालीस साल हो गए दुनिया में और <laughs> यहाँ पर अभी कम से कम आधा घंटा हो गया सोलह <laughs> yeah. में. में साल हो गए हमको मैरिज yeah. yeah, uh, को तो नो मेक अ मैरिज वर्क किताब लिखनी पड़ेगी इस बारे में बट आई लाइक

Or uh, there's this saying, you know, there's a wonderful uh, actor, writer friend of mine called Sumit Vyas, and his oh dad yes. had said it, uh, this line to him, which I kind of he had used it in in one of the mm. films or shows that they were doing. They said, na zid se chalte," hai. and I really believe that's true. That it's very easy to give up on a uh, relationship or and say whatever, but you have to really want it, yeah. or was zid se gabi kabi, kabi आजकल के टाइम में यही तो मिसिंग है क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस है ना हम लोगों के पास ऐसे हाँ। टिंडर पे, पे ऐसे बुफे लगा हुआ है कि लोगों को वो जिद होती ही नहीं like, है हाँ, की तो निकल गए ना बट आई थिंक वो ओवरऑल लाइफ में भी वैसा है ना कि एक टाइम पे आपको घर पे भी कि आज क्या खाओगे आज होता है ना भैया आज लंच में क्या बनेगा घर पे तो यार हम सोचने दो हाँ। वो नहीं होता था ये बना खाओ बट यही तो कल खाया था आज भी खाओ ये नहीं खाना है तो जाओ बनाओ फिर हमने वैसे ही सीखा बनाना तो उसमें भी आप खुश थे वही होता है ना जिसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा टाइम आप मेन्यू पढ़ने में निकल जाता है हाँ। कि मैं क्या खाऊं मन बना के नहीं है भूख मर जाती है और यही रहता है या खा लूंगा फिर वो अच्छा वेस्ट हो जाएगा यार तू

सोने के टाइम के लिए सो गया था मैं लेकिन में में लेकिन मगर वो सोने के टाइम पे नहीं था लेकिन वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं और तो तो फिर उसमें ना अभी वो उसमें भी ऑप्शन आते हैं इफ यू आर वेरी स्ट्रेस तो फिर वो सेट फिर वो गेट इफ यू इन पैनिक तो ये 5 सेकंड का भी है ये दस सेकंड का भी है खुद चूज करो पहले मैं 2 मिनट करूंगा फिर 4 मिनट करूंगा तो मैं 5 मिनट तक पहुंचा फिर मैं छोड़ दिया ओके हमारी टीम ने ना हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भेजे हैं एक्चुअली आपकी फिल्मोग्राफी के ऊपर सो डू माइंड इफ आई आस्क यू सम ऑफ दोस इफ आई से यस आई माइंड देन यू नॉट आस्क देन आई विल आस्क विद पप्पी फेस ओके यू स्टिल आस्क विद द पप्पी फेस ओके कैन आई प्लीज प्लीज आस्क यू दोस फिल्मोग्राफी क्वेश्चंस यस प्लीज लाइक रितिक फ्रॉम दैट साइट प्लीज चलो थैंक गॉड फ्रॉम कोई मिल गया नहीं बोला मेरे को पता चले मेरे को बोले कि मैं रिटायर्ड लग रही हूं अरे बाप रे ये खुद ही काट देंगे हाँ, चलो। हाँ। मेरे को नहीं होना, पास ना कुछ फैन भी है जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं so, uh, yes. okay. सामूराय वीडियो गेम हाँ। गिफ्ट करेंगे अगर आप अपनी एसएल वर्ल्ड की ट्रिप कैंसिल करोगे करी थी उन्होंने बिल्कुल और उन्होंने तब नहीं बताया था मुझे मुझे बोला था वीडियो गेम दूंगा टीवी वाली बोला मैं नहीं जाऊंगा पिकनिक और अगले दिन बहुत रोया था जब सबको जाते हुए देख रहा था स्कूल ब, पाँच था स्कूल मेरे मिनट ही तो सब भर के जा रही थी फिर फिर ऐसा लगा क्यों किया लेकिन फिर वो हर एक लड़का जो गया था भाई कल वो <laughs> तब तो खरा okay. रिलीज हुई थी जब शाहरुख खान की दिल तो पागल है भी रिलीज हुई और गुलाम भी रिलीज हुई बट तब भी इट द बॉक्स ऑफिस उस टाइम पे वो वाला एटमॉस्फेयर कैसा था वहाँ तब मेरा स्टार्टअप कुछ अलग ही था मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी पिक्चरें हिट होती थी आ, तो एटमोसफेयर कैसा था मतलब तो? <laughs> <laughs> उस टाइम पे वो क्लैश वाला वो टेंशन थी देखो मैं तो इतना बड़ा था नहीं था मुझे कुछ नहीं पता था मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मुझे था कि मेरे को मेरी पिक्चर की टिकट दे दो ताकि मैं देख लूँ बॉक्स ऑफिस का मेरे को क्या पता तो हमको तो सिर्फ ये पता था कि इसकी पिक्चर की इतनी ब्लैक चल रही है तो हम ऐसे ही खुश होते थे पिक्चर हिट हो गई मतलब पिक्चर की ब्लैक चलना क्या होता है वैसे जब वो ब्लैक में टिकटें बिकती थी ना तब हाँ। जब आपको टिकट नहीं मिले तो गेटी गैलेक्सी हर एक थिएटर में ब्लैक होती थी तो अगर चालीस रुपए की टिकट है अस्सी रुपए की टिकट है तो उसकी ब्लैक कभी दो सौ रुपये पहुंच जाती थी कहीं कहीं पिक्चरों की साढ़े सात सौ आठ सौ हजार रुपए की ब्लैक हो रही टिकट तो तब आपको अंदाजा लगता था पिक्चर कितनी बड़ी हिट है या कितनी बड़ी खुली है उससे

ना ही देखा है एटलीस्ट इंडियन टेलीविजन या सिनेमा में और किया तो बिल्कुल ही नहीं है एक बिल्कुल ही अलग लुक एक बिल्कुल ही अलग वेशभूषा एक बिल्कुल ही अलग दुनिया यू नो इट्स आई अन् से मच अबाउट इट बट इट्स यू नो द टैग लाइन इज वट ऑल इट्स काइंड एपिक सो इट इज़ एपिक इन इन वेज इट्स इट्स गोट बी समथिंग स्पेशल आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट आल्सो मैं hmm. देखा ही नहीं है मैं खुद मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है हाँ. लेकिन कभी-कभी अपनी डक जाके फोन में चेक करता हूँ <laughs> तो ये तो आना बाकी है ये कमाना ओके <laughs> okay. और आ, आपका एक फेस था जब आपने बिटवीन 1998 टू 2005 जब आपकी लास्ट चाइल्ड एक्टर्स के साथ uh, मतलब चाइल्ड एक्टर एज अ चाइल्ड एक्टर आपने फिल्म करी थी और उसके बाद 2005 में व्हेन यू केम एज अ एडल्ट जी एडल्ट एक्टर मैं एडल्ट मूवी स्टार बोलते हैं मैं

तो अभी डिसाइडेड कि अब नाउ वर्क बट जख्म वॉज समथिंग दैट वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी मल्सो एंड फॉर भटसाहब ऑल्सो सो जख्म बिकेम लाइक अ रिटायरमेंट ऑफ सॉट्स फॉर मी भट्साहब एंड पूजा बिकॉज इट इज लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर माइन एज अ चाइल्ड एक्टर एंड पूजा एज एन एक्टर बट इट वॉज सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म बिकॉज आफ्टर डूइंग दैट फिल्म आई थॉट कि यार आई रियली लाइक बींग एन एक्टर एंड इट्स नॉट तब तक तो क्या होता है ना बच्चा बच्चे को सब बच्चा मानते लेकिन बच्चा अपने दिमाग में खुद बच्चा नहीं है हाँ, वो थोड़ा बड़ा होने की कोशिश तो उसको तब तक ऐसा लगता था अभी तक तो लोग ऐसे ही हंस रहे हैं बच्चा है क्यूट क्यूट बोल के यू नो अच्छा एक्टिंग करता है तो उसको सीरियसली मैं भी नहीं लेता था बट में आई रियली दैट दैट यू नो समथिंग पीपल हैव अबाउट मी एज एन एक्टर एंड आई शुड डेफिनेटली ट्राइड आई एनजॉय डूइंग इट तो इसीलिए पहले तो घर पे वो पूरा महाभारत हुआ कि भाई तुम साइंस नहीं लोगे तो फिर तुम क्या करोगे तो बोला मुझे तो बताया नहीं आप लोगों ने और भी दो स्ट्रीम्स हैं कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में किसी ने कभी बताया नहीं 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 ऐसा कैसे होगा तो मैं बोला देखो ऐसा है कि मुझे स्क्रीन पर एक्टिंग का मौका मिले नहीं मिले टू थिएटर तो फिर फाइनली मैनेज टू कन्विंस दैम फिर कॉमर्स लिया बट आई डिट अ लॉर्ड ऑफ थिएटर इन दो फाइव ईयर्स सो इट वॉज ऑल्सो गुड एक्सपीरियंस फॉर मी टू कैन ऑफ बी ऑन स्टेज एंड एक्सपीरियंस हाउ एक्टिंग फॉर थिएटर इज एंड देन अगेन वैन आई फिनिश्ड कॉलेज एंड ग्रेजुएटेड I told my dad actually. I said, yeah, you know, I want to take a year, and if in this year I land something great, otherwise then I'll continue studying and kind mm -hmm. of you know figure out what my career is. ये उनको बोला खुद तो ये था भगवान करा दे कुछ तो and then I met Bhat Sab and वो पहले मैंने अपना photo shoot कराया था जो सब बड़ा जरूरी होता था portfolio लेके जाना हर जगह पे तो अपना portfolio लेके मैं पहुंच गया remember मैं रोक की shooting हो रही थी इन्हें फान पूजा उस दिन Bhat Sab उस दिन

And he had met me. He said, "You are still uh, continuing being an actor." Mm -hmm. I said, "Yeah, I really want to be an actor." So he said, "Okay, whenever you decide that you want to be an actor, you come and see me." Mm -hmm. uh, that's why I had gone and seen him. And uh, and then he said, "No, of course, we'll, I will definitely want to, you know, work with you." Mm -hmm. And then, as it happened, that everything that they were trying to think of me wasn't kind of materializing, and then Kalyug wasn't written for me. It was uh, written for Patsab San. Rahul was supposed to launch with that film, mm -hmm. but it was was the Blue Film. Tha. तो आप कर ही बोल रहे थे adult adult movies, movie star, हाँ। तो वो बहु, बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते थे और मुझे मुझे बट सामने कहानी सुनाई थी सिर्फ तो तो मैंने बोला ब्लोइंग ये तो बहुत अच्छा है है मैं करना नहीं है। करूंगा। फिर मुझे पता उस पिक्चर का नाम कल्यु हुआ और वैसे फिर शुरुआत <laughs> <से निकाल> <laughs> <laughs>

फिर लड़ाई वड़ाई होने लगी फिर मैंने कहा यार इन इनकी हाइट है बढ़ रही है मैं इनकी बढ़ रही मैं क्या करूँ <laughs> तो फिर और मेरे घर पे वो तो अब जिम नहीं जाने देंगे बेटा mm. जब तक तो 18 के नहीं होगा तो हाइट रुक जाएगी ये होगा वो ah. होगा तो मैं अट्ठारह जिस दिन मेरा अठारहवा बर्थडे था मैं जिम के बाहर खड़ा था दो लाइनों में था उस दिन में एक लाइसेंस <laughs> के लिए लाइन में लाइसेंस और दूसरी जिम दोनों मैंने अठारह की उम्र में ज्वाइन किया एंड आई रियली एन्जॉय डूइंग इट इट्स नॉट दैट आई टू इट फॉर रीजन लाइक ना ऑल्सोट mm. दिस इज आई लाइक टू be in shape and i like working out it's a That's part of my lifestyle it's a part of my lifestyle mm -hmm. and i also try and keep it in a place where also for actors you know it's dependent on the characters that you play mm -hmm. certain characters may not require this like for hardik in gogo gone he was not a guy who would have gone to the gym at all Yeah. so i had to completely stop working out so you have to be in a shape where you can you know become very very muscular yeah. for something in let's say in two months or you can kind of then reduce lean and, and be lean and somebody who it's not gym instructor and i think you know the cutest thing about you and soha for me is that you guys work out together a lot also mm -hmm. and i feel like a point a relationship that point aata hai where you need to find things that you can do together and because both of you have sort of busy lives where and you know the shoot schedule might take you elsewhere it's nice to see that you guys you know bond over working out actually we don't work out together we work out agi Uh, amara you know my i go one hour before her and then she comes in later oh. but it's nice that she also has the same principles in her own life on her own it's not mm -hmm. like she brought it into my life or i brought it into her life Uh, but i think she will say that i brought a lot of discipline in her life when it comes to that but what was interesting is during the lockdown i stopped working out बिकॉज मैंने वो वो घर वाले वर्कआउट मेरे से बियॉन्ड पॉइंट नहीं हुए शी वॉज द वन हु वुड फाइंड वर्कआउट एंड दट वॉज द टाइम दैट वी वर्कआउट टुगेदर सो वी वुड डू द सेम रूटीन शी वाइन दो यू ट्यूब एंड ऑल दैट एंड इवन नाउ देन शी कंटिन्यू डूइंग दै एंड आई वॉज ऑन एंड ऑफ एंड ऑफ एंड आई वज लाइक वो मेरे साथ हमेशा होता है लाइक आई विल वर्कआउट फॉर लाइक एट टेन मंथ्स एंड दैनली एल बिल्कुल अभी दो महीना मेरे को बस हो गया अभी आई डू योगा और आई डू सम एल्स आई लू किक बॉक्सिंग सो शी काइंड ऑफ ब्रॉड बैक दैट डिसिप्लिन इन टू माई लाइफ वेर आई एंड ऑफ अगैन

तो परिभाषा ही बदल गई ना अब तो अब तो इंटर उसपे हो जाता है स्विगी से खाना आ जाता है टेंडर से डेट आ जाती है <laughs> तो मुझको तो पता नहीं इस बारे में बट <laughs> लड़कियों के लिए तो फिर भी डेट आ जाती है लड़कों के लिए बिल्कुल नहीं आ पाती <laughs> इसीलिए तो ऑल द बेस्ट कामेंट करके था देखो भाई हो हिम्मत मधार हो और तहजीब तो बिल्कुल हारना और तमीज़ बिल्कुल हारना ये बहुत ज़रूरी है आई थिंक इफ़ यू एक्सपेक्ट यू ऑलवेज ट्रीट समबडी इन द वे that यू एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड सो यू should never forget दैट एंड आई थिंक इफ that इज़ योर बेस उसके आगे तो तुम कर ही लोगे और अगर नहीं कर पाओगे ऑल द बेस्ट

लेकिन उसमें भी एक होता है जब आपने uh, कोई अच्छा सीन लिखा आपके हिसाब से क्योंकि तब तो आप ही क्रिटिक हैं आप mm -hmm. ही ऑडियंस है सब है mm -hmm. तो एक अलग सी खुशी होती है बट उसकी इन्वेस्टमेंट और वो जर्नी बिल्कुल ही यू you नो know, आप एक अकेले जीते हैं लेकिन जब वो पूरी ख़त्म होती है देर इज अ काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ फिनिशिंग समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ देन ऑफकोर्स फर्स्टली टू इवन फाइंड फाइन समबी हुस इन दैट स्क्रिप्ट एंड गिव यू दर्चुनिटी डायरेक्ट इज अ मेहमत ऑफ अ टास्क आई एम वेरी लकी दैट आई काइंड ऑफ फाउंड अमेजिंग प्रोड्यूसर्स इन एक्सेल Uh, and then I really enjoyed that journey because I had witnessed that journey, others' journeys, but never kind of been a part of that. And I realized there is so much that as an actor I may have an idea of, but not known how what it is to be like, you know, pre production, production, post production. Post -production. And I thoroughly enjoyed each and every aspect of it. And I really hope that it continues to be the same. And mm -hmm. I would like to do it in the future also. But yeah, I, uh, but again, I mean, I wouldn't have known this if my life hadn't kind of mm -hmm. happened the way it did. And 2023, kaisa tha aapke liye, last year? Acha uh, tha, but isi film mein laga -hmm. But also, the other thing with being a director is it takes a lot of time. And as an actor, you're not, because as an actor, you can do multiple projects. Yeah, in a you can right? come and go and still be elsewhere. Yeah, and like you can do this, and you can do that, and move on to other things. But here, like it's, l it's literally your baby, in a way. And mm -hmm. the pregnancy lasts way beyond nine months. <laughs> And you got to be on top of everything, especially in the first one. I don't yeah. know; I mean, it might get easier with the More future ones. Th but here, because I am also learning on the job and trying to get it done in the best way that I can, I want to be everywhere because this is going to be probably the most. Uh, this is literally me, and whatever I think and whatever I do and whatever I like is there. I am the so-called teacher. I am the boss. Yeah. You know, so that also comes with like a lot of responsibility and nervousness and mm. nerves and excitement mm. but i'm very curious to know because i'm literally putting myself out there mm. for everybody to see that this is what i wrote this i mean i can't i can't not that i have either but i can't hide behind anything huh. that you know the writing let, let let the film down or the direction let it down or the aesthetics front and center i, I have Roga. okayed everything so mm -hmm. i'll have to kind of take the tarif and the gaaliyan on front foot yes on your